पहली बार किसी ने कटिंग की थी, बॉडी की कटिंग की थी, पहली बार किसी ने स्टिचिंग लगाए थे, आमेन। लेकिन वो जो टांके लगे थे वो दिखाई नहीं देते थे। आदम को तो पता नहीं था मेरे अंदर से कुछ निकाला गया है। अगर वो दिखाई देते तो आज के डॉक्टर में और उस राजाओं के राजा में कोई फर्क ना होता। परमेश्वर जब भी कोई काम करता है बड़ी सफाई से करता है। परमेश्वर के काम में सफाई पाई जाती है, आमेन। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसमें से एक पसली को निकाला, एक पसली को निकाला। सुनिए, कितनी पसली को? एक पसली को निकाला और क्या किया, आगे पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी जी स्त्री बना दिया, उसको स्त्री बना दिया, आगे। और उसको आदम के पास ले आया, तब आदम के पास ले आया, तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। ध्यान से सुनिएगा, आदम तो बेहोश था, आदम तो गहरी नींद में था, उसको कैसे पता लगा कि ये मुझ में से निकाली गई है? उसको कैसे पता लगा कि ये मेरे अंदर से निकालकर परमेश्वर ने बनाई है? क्योंकि परमेश्वर ने ये जो शब्द आप और मैं बाइबल में पढ़ते हैं, ये शब्द आदम से कहे थे, मैं कहता हूं आदम तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं तेरे लिए एक सहायक को बनाऊंगा और तुझी में से बनाऊंगा। और आदम को पता लग गया जब परमेश्वर ने कहा सो जा, और वो सो गया और उसमें से निकाल कर जैसे उसके सामने खड़ा किया। आदम की फीलिंग कहती थी, हालेलुया। किसी ने कहा है जब एक आदमी और औरत बैठते हैं तो कुछ फीलिंग आती है, हाँ या ना? ये वही फीलिंग है। उस फीलिंग से आदम समझ गया यही वो सहायक है जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। कहीं ना कहीं उस स्त्री की आंखों में से मदद निकल रही थी, कहीं ना कहीं उस स्त्री के शरीर में से हेल्पिंग का नेचर निकल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मदद करने वाली फीलिंग, मदद करने वाली फीलिंग आदम को महसूस हो रही थी। बहुत से लोग कहते हैं मैं अपनी पत्नी के कारण बहुत परेशान हूं, बहुत सी पत्नियां कहती हैं हम अपने पति के कारण बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यदि आप समझ जाएं कि आपको जोड़ने वाला परमेश्वर है, यदि आप समझ जाएं कि आपको इकट्ठा करने वाला परमेश्वर है, तो आप ये अपनी अपनी जिम्मेवारियां समझ जाएंगे। यदि एक परिवार अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ जाए तो मेरे ख्याल से परिवार स्वर्ग बन जाएगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आदम ने अपनी जिम्मेवारी को समझना शुरू किया, जिस दिन औरत ने अपनी जिम्मेवारी को समझना शुरू किया, तब तक वाटिका के अंदर स्वर्ग रहा, तब तक वाटिका के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति रही। परमेश्वर ने एक वाटिका, एक घर जैसी वाटिका परमेश्वर ने आदम और औरत को दी थी। ध्यान से सुनिएगा, पति भी वहां था, पत्नी भी वहां थी और घर घर भी था। हालेलुया, घर भी परमेश्वर ने दिया। तो सोचिए किसने बनाया परिवार? ऊंची आवाज में बोले, परमेश्वर ने पहला परिवार बनाया था। और उस पहले परिवार को बेघर नहीं रखा, उस पहले परिवार को घर के बिना नहीं रखा, परंतु घर देकर घर में रखा। ये है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे,
इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकली गई है, निकाली गई है। सुनिएगा, बहुत से शादियां होती हैं, शादियां होते ही नाम बदल जाते हैं। शादियां होते ही पत्नी का नाम राजेंद्र कौर है और कुछ और ही बन जाता है। क्या? मेरा टुन्नू, मेरा मुन्नू, मेरा सोना, हाँ या ना, मेरी हीर, नाम की नाम कुछ और है, लेकिन लोग नाम बदल देते हैं। नाम सबसे ज्यादा बदलता कौन है? आदम, आदमी, हाँ या ना। 90% से ज्यादा आदमी औरत का नाम बदलता है। ये तब से चला आ रहा है भैया, हम सबका बाप जिसका नाम बाबा आदम था, उसने नाम बदला था अपनी पत्नी का, इसलिए आपका भी दिल करता है नाम बदलने का। और आप गोल्ड, सिल्वर, मेटल नाम रख देते हैं, हाँ या ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डोंट वरी, अगर आपका नाम बदलने का दिल करता आप बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के अंदर ये विचार पैदा किए थे। आमीन। यदि आप अनमैरिड हैं तो बेचिंत रहें, ये ना सोचें आज का संदेश मेरे लिए नहीं, चलो बाहर चलते हैं, आज का संदेश आपके लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर आपको भी वो पसली देगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। हाँ भैया, बेटा हमें मत छोड़ना, तू एक कल्ले कल्ला मेरा नारियल है, तू कल्ले ही कल्ला मेरा चांद है, मेरा सूरज है, मेरा तारा है तू, मेरा चंदा है तू, हाँ या ना। लेकिन उसको इतनी बातें बोली फिर भी ना तो उसको सूरज समझ आया, ना उसको चांद समझ आया, ना उसको तारा समझ आया, और वो कहता मम्मा बाबाए पापा बाबाए मैं जा रहा हूं, वो चल देता है। हो सकता है आप कहें नहीं 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 जाना नहीं चाहिए, फिर भी अपने माँ बाप नु छड़ना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। देखो ये तो गलत बात है, तू कल की लड़की के पीछे, तू कल दी कुड़ी दे पीछे सानू छड़ी जंदा है? भैया वो नहीं छोड़ रहा, पवित्र शास्त्र में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह चुका है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, जमीन और आसमान टल जाएंगे, परंतु इस पवित्र शास्त्र का एक एक वचन पूरा हुए बिना खत्म नहीं होने वाला, पूरा होगा। क्या लिखा है? वे अपने माता पिता से अलग रहेंगे, लिखा है यहां, पढ़िए दोबारा से पढ़िए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। हाँ, पेक के जरूर रह लेगा, पर सौरियां देखकर रहना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, घर जवाई तो बन जाएगा, परंतु बहू के लिए सास के पास रहना बहुत मुश्किल है। पति तो पत्नी की मां को कह देता है मेरी मां, लेकिन पत्नी अगर सेम दर्द रखे और उसकी मां को भी मां कहे, असली पत्नी असली औरत वही है जिसको परमेश्वर ने खुद बनाया है। प्रेज लॉर्ड। पति कई बार धौंस दिखाता, मेरे पापा नु पापा, मेरी मां नु मां, बोल 99%, 90 से भी ज्यादा 99% मैं कहूंगा घर में लड़ाइयां तेरी मां तेरी पापा, तेरा पापा, तेरी मां तेरा पापा, इसके पीछे लड़ाई होती है, हाँ या ना। आज तो कुछ टाइम पहला दी गल है, मैं सुनया सी एक लेडी कहती है वो फ्रिज नू हाथ लगाता है तो कहती है ये मेरे मां बाप ने दिता है, वो बेचारा
कुल्लर नूं हाथ लांदा है ते कहिंदा इह भी मेरे मां बाप ने दिता है। पखे नूं हाथ लगांदा है कहिंदे ज्यादा ना बोलियो, नट ना आराम नाल टाइट करियो, ये मेरे मां बाप ने दिता है। हौली 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 करते करते बहुत सारी गल्लां कहिंदे मेरे मां बाप ने दिता है। एक दिन घर दे विच चोर आ गया, चोर सारी चीजा चक्कन लग गया, घर वाली दी अख खुल गई। घर वाली ने घर वाले नूं कहा, ए जी ओ जी सुनो जी, आ चोर सब कुछ लै चलिया है। कहिंदा लै के जाण दे, तेरे घर वाले ने दिता है। घर वाले नूं कह आके छड़ा लैण, नहीं 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 ये तो अपना दोनों का है, बचाओ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यूनिटी एकता से परिवार चलता है। प्रेज़ लॉर्ड। इस रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी बातों में हम पजल हो जाते हैं, खो जाते हैं। हमें अपनी माँ तो माँ लगती है, दूसरे की माँ सास लगती है। हमें अपनी माँ तो माँ लगती है, दूसरे की माँ क्या लगती है, सास ससुर लगते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हमें अपनी माँ माँ लगे, दूसरे की माँ भी माँ ही लगेगी, तब देखिएगा वो परिवार परमेश्वर का बनाया हुआ परिवार बन जाएगा। बच्चों को कभी भी पूछो, बेटा छुट्टियां पढ़ने वाली हैं कहाँ जाएंगे, नानी के घर, नानी के घर। नानी के परिवार के तमाम लोगों के नाम बच्चे को पता है, पर दादी के परिवार के बच्चों का बच्चे को पता ही नहीं है, ऐसा है या नहीं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्यार सिखाता है। मेरे ख्याल से मेरे बेटे को, मेरे परिवार के भी लोगों को, लोगों के बारे में सारा पता है, और मेरी पत्नी के परिवार के भी लोगों के बारे में, परिवार के बारे में सारा पता है। आप अपने बच्चों को दोनों तरफ का प्यार सिखाएं, नहीं तो एक वक्त आएगा वो अपना बोरी बिस्तरा पैक करेगा और आपको छोड़कर चला जाएगा। आप उसमें नफरत नहीं, प्यार पैदा कीजिए। पवित्र शास्त्र को पढ़िए रोज, इस बाइबल को अपने घर में जरूर पढ़िए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे कि परमेश्वर कैसे परिवार चलाना सिखाता है। लूका 11वां अध्याय उसकी 28 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को मानना, जो परमेश्वर के वचन को मानते और सुनते हैं, जो परमेश्वर, या फिर यूं भी कह सकते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, चाहे मानते और सुनते हो और चाहे सुनते और मानते हो, परमेश्वर उन्हें पसंद करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझे अपने परिवार को अच्छा जीवन निर्वाह करने वाला परिवार बनाना है। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, खराब नहीं करती, अपने घर की रचना करती है, अपने घर को अच्छी तरह बसाती है। बुद्धिमान स्त्री लड़ाइयां नहीं करती, अगर लड़ाई हो भी जाए तो भी सुलह करने की ताकत रखती है। किस किस को समझ आ रहा है। बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार को बनाती है, बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार के एक एक दायरे को परमेश्वर के अनुग्रह में भरने की ताकत रखती है। प्रेज़ लॉर्ड। पिता यहोवा, जिस परमेश्वर ने आदम की, औरत की रचना की, हमें प्रभु यीशु ने कहा है वो उसका नाम पिता यहोवा है।
हमारे प्रभु यीशु ने कहा है उसकी आज्ञा का पालन करो। हमारे प्रभु यीशु ने कहा है यदि तुम अपने परिवार के अंदर मेरे पिता की आज्ञा का पालन करोगे, मेरे पिता को खुश रखोगे, यदि तुम्हें कुछ चाहिए, यदि तुम्हें अपने परिवार के लिए कुछ चाहिए, यदि तुम्हें अपने परिवार के अंदर सुख चाहिए, यदि तुम्हें अपने परिवार के अंदर पति अच्छा चाहिए, पत्नी अच्छी चाहिए, तो तुम मेरे नाम से, मेरे पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। हमें परमेश्वर को पिता बोलने की ताकत दी है प्रभु यीशु ने, और प्रभु यीशु ने स्वयं पिता के हर इशारे पर चल कर दिखाया। प्रभु यीशु ने पिता के मुताबिक जीवन निर्वाह किया। बाइबल कहती है अगर आप मत्ती 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत में पढ़ें तो देखिए बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे जरा। प्रभु यीशु ने इस जगह पर स्पष्ट कहा, हे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, पढ़े, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। आ हमारा परमेश्वर पिता जिसने आदम की रचना की है, हमारा पिता जिसने हमें मददगार दिया है, एक आदमी को औरत सहायक के रूप में दी है, उसको आप और मैं पिता कह सकते हैं और उसे कह सकते हैं, हे पिता मेरी पत्नी मुझसे तलाक मांग रही है। पत्नी कह सकती है, हे पिता मेरा पति मुझे छोड़ने का प्लान बना रहा है। यदि आप पिता से प्रभु यीशु के नाम में जो भी मांगेंगे पिता देने की सामर्थ्य रखता है। इफिसियों 3 उसकी 14 और 15 आयत जरा ऊंची आवाज में कोई पढ़ दे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज आप करो मुझे इस बात को सीखना है कि किस तरीके से हमारा परिवार चलना चाहिए। पत्नी कहती है मेरे पति में ये कमियां हैं, पति कहता है मेरी पत्नी में ये कमियां हैं, लेकिन क्या आपने कभी खूबियां भी देखी? आपको मालूम है जब आप पत्नी की कमियां निकालते हैं तब परमेश्वर देख रहा है जिसको प्रभु यीशु ने पिता कहा है। जब पत्नी पति की कमियां बताती है तब वो पिता जिसने आदम को अपने जैसा बनाया है वो सुन रहा है, वो देख रहा है। सोचिए, आप अपने दिमाग से सोचिए, ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट आना, देखिए आप मजाक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक अलग बात है, लेकिन आप कमियां निकाल रहे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप गंदे हैं। आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बॉडी में से एक पसली निकाली गई जिसको औरत बना दिया गया। मान लीजिए ये मुझे कह रहे हैं आप अच्छे नहीं हैं, आप ठीक नहीं हैं, आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है, मैंने बहुत सी कमियां आपकी नोट की हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम है ये क्या कह रहे हैं? ये परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए आदमी को कोस रहे हैं, लेकिन मेरे पास अपनी ताकत है, इनके पास अपनी ताकत है, लेकिन मेरे पास जो ताकत है वो परमेश्वर पिता ने दी है, इनके पास जो ताकत है वो परमेश्वर पिता ने दी है। हम पति पत्नी लंबाई में बड़े और छोटे हो सकते हैं, रंग में फर्क आ सकता है, पहरावे में फर्क आ सकता है, परंतु ध्यान से सुनिएगा एक साथ मिलकर चलने में फर्क नहीं आना चाहिए। अच्छा सीखेंगे तो अच्छा सिखाएंगे, अच्छा चलेंगे तो लोग आपको देखकर चलना शुरू हो जाएंगे।
आपकी अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। आज से कुछ साल पहले की बात है, थैंक यू, पास्टर राज को किसी औरत ने आकर कहा, पास्टर विनोद ठीक नहीं है। इन्होंने उस बात को सुना और सुनकर बोला, मुझे अच्छी तरह पता है वो कितने ठीक और कितने गलत हैं। मुझे सब पता है, आप अपनी जुबान बंद रखिए, क्योंकि हमारा आपसी प्यार जो है वो स्वर्ग से आता है। पति अपनी गवाही दिए जा रहा है। पत्नी अपनी गवाही दिए जा रही है। आप सोचिए, पत्नी पति की गवाही दे वो ठीक है, या पत्नी अपनी गवाही दे वो ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, पति कैसा है पत्नी बताएगी, और पत्नी कैसी है पति बताएगा, और मां बाप कैसे हैं बच्चे बताएंगे। इफिसियों पढ़िए तीसरा अध्याय, उसकी 14-15 आयत को जरा ऊंची आवाज में कोई पढ़ दे। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। दोबारा से पढ़िए। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, हर एक घराने का नाम रखा जाता है। सुनिएगा, आप वहीं आइए, और 1:28 है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा। सुनिएगा, आदम और हवा को परमेश्वर ने बना दिया, और बनाने के बाद आशीर्वाद दिया, और क्या आशीर्वाद दिया वो सुनिएगा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, यानी बच्चे पैदा करो, यानी बच्चे पैदा करो, और बाइबल कहती है उनके नाम भी रखो। हालेलुया, पैदा भी करो नाम भी रखो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि परिवार अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर चाहता है कि परिवार परमेश्वर का बनाया हुआ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पत्नी ने डिसीजन लिया कि मैं ये घर बनाऊंगी। पति ने कहा, ये घर हमारे लिए ठीक नहीं है। नहीं नहीं, थोनू ज्यादा पता, मैनू पता थोड़े को इतना दिमाग नहीं है, मेरे को ज्यादा है। और पत्नी ने डिसीजन लेकर घर बना दिया। ध्यान से सुनिएगा, पत्नी घर बनाती है ये सच है, पत्नी घर बनाती है सच है, लेकिन कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट करेगा, वो खुद ही बनाने में लगी हुई है। कुछ समझ आ रही है? कौन से घर की बात परमेश्वर कर रहा है, कौन सा घर पत्नी बनाना चाहती है? वो है पति की केयर करना, बच्चे की केयर करना, घर के अंदर का सारा सिस्टम परमेश्वर ने पत्नी के हैंडओवर किया है। अगर आप पति का भी काम करेंगे तो पति क्या करेगा? गुलाब जामुन खाएगा बैठकर। हाँ जी, अगर आप पति का सारा काम करेंगे तो पति क्या करेगा? गेम खेलेगा। पति क्या करेगा? इधर उधर आंख मटक का करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पति को पति का काम करने दीजिए, पत्नी को पत्नी का काम करने दीजिए। पति की जिम्मेवारी है कि पत्नी का काम पत्नी करे, और पत्नी की जिम्मेवारी है पति का काम पति करे। परंतु कभी अगर पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति पत्नी के काम करने की ताकत रखना वाला होना चाहिए। पत्नी के काम करने की ताकत रखने वाला होना चाहिए पति। अगर पति को कुछ प्रॉब्लम आती है तो पत्नी भी पति के काम करने की ताकत रखने वाली होनी चाहिए। उसको बोलते हैं परिवार।
Thank you.